हाल ही में इंदौर में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव कथा का समापन हुआ। इस कथा को सुनने के लिए लाखों लोग कथा स्थल पर पहुंचे। इस कथा के आखिरी दिन कांग्रेस विधायक जनता से माफी मांगते हुए नजर आए। जीतू पटवारी ने अपने संबोधन में माफी क्यों मांगी, यह जानने के लिए आइए सुनते हैं कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का संबोधन। हर हर, सबसे प्रथम तो मैं भोलेनाथ की कृपा, आपकी आस्था, गुरुजी पे आपका भरोसा और इतना विश्वास, इसको कोटि कोटि नमन करता हूं। चरणों में सर रखकर आप सबको प्रणाम करता हूं। ईश्वर आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। दूसरा, मैं क्षमा प्रार्थी हूं गुरुदेव। 1,75,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था हमने की थी। 2,85,000 फीट पांडाल बना है, उसके बाद भी जितने लोग यहाँ हैं उससे आधे से ज्यादा बाहर हैं। मैं उन सबसे चरणों में सर रखकर माफी मांगता हूँ कि आप सबकी अगली बार जब कथा होगी तो 4,00,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था के साथ हम कोशिश करेंगे आपकी सेवा करने की। दूसरी, बहुत साधुवाद मेरी बहनों को। आपकी जो आस्था है, विश्वास है भोलेनाथ पर, जितनी आपकी कृपा है, कोविड काल के बाद इतना अद्भुत आयोजन इंदौर शहर में कभी नहीं हुआ, न इससे पहले हुआ, न भूतो हुआ, न भविष्य। इस तरह की भावना आपकी हुई, मैं आप सबकी मनोकामना ईश्वर पूरी करे, इसके लिए ईश्वर के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में सर रखकर प्रार्थना करता हूँ। कोई क्षमा हुई उसकी माफी मांगता हूँ। आस्था चैनल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, पूरे देश में, विश्व में देखने वाले परिवारजनों की भी मनोकामना पूरी हो, और जो विश्वास ईश्वर पे, भोलेनाथ पर आप सबका बनता जा रहा है, हर घर हर मंदिर भोलेनाथ की आस्था में लाइन लगती जा रही है। ईश्वर हमारे देश को सर्वधर्म संभाव के साथ, मानवता का जो हिंदुत्व का मूल विचार है, विश्व कुटुंब का, प्राणियों के में सद्भावना का, और सब पर ईश्वर की कृपा बने, प्राणी मात्र पर बने, उस आस्था को विश्व भर में कैसे जाए, इसके लिए मैं मन भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।